हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 13 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 14 नंबर की क्लास है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले क्लासें नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख ले, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा रिट राजस्थान ज्योग्राफी प्रश्नोत्तरी, ठीक है, इस नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित है? तो ये दोस्तों ठुकराना गाँव गंगानगर में है, ठीक है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ठुकराना गांव गंगानगर में ये स्थापित किया गया है। एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो, यह राज्य का सबसे बड़ा व पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता दोस्तों इसमें 6 इकाई है, 7वीं और 8वीं इसमें प्रस्तावित है, ठीक है। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखो 1500 मेगावाट तो इसमें ये है, ठीक है, 6 इकाई हैं तो 6 इकाई इसमें 250 की है, ठीक है, 250 इंटू 6 मेगावाट की, ठीक है। तो 1500 मेगावाट की इसकी क्षमता थी, ठीक है, और इसका शिलान्यास और किया गया, यानी कि 2, 7वीं और 8वीं वो भी दोस्तों शिलान्यास हो चुकी है। वो है 7वीं है इसमें 660 की 1 और 660 की 2, यानी कि 660 मेगावाट की और 660 मेगावाट की, ठीक है, ये दो इकाई है। तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 6 × 12 1320 मेगावाट की ये दो नई और शिलान्यास की गई है, ठीक है। तो कहाँ पर है सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन? तो ठुकराना गांव गंगानगर में, ठीक है। कितनी इकाई है? 8 इकाई हो चुकी है, पहले 6 इकाई थी लेकिन 2 इकाई और आ चुकी है, तो कितनी हो गई, 8 इकाई, ठीक है। देखो, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत, ठीक है, परियोजना इकाई 7 व 8 का शिलान्यास कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया था, 7वीं और 8वीं इकाई का शिलान्यास कब किया गया था? और वो इकाई दोस्तों देखो 6 इकाई तक 250 मेगावाट तक थी, ठीक है, यानी कि एक इकाई 250 मेगावाट की थी, ठीक है, और 7वीं और 8वीं इकाई है वो दोस्तों 660 मेगावाट की है, वो आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों इनका जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? तो 20 जून 2013 को ये शिलान्यास किया गया था, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे पानी है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से आवंटित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखो, सूरत एक तरफ पावर स्टेशन है, दूसरी तरफ इकाइयां हैं, ठीक है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 6 इकाई है 250 मेगावाट, तो दोस्तों टोटल 1500 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है पहले वाला। दूसरा देखो, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल यूनिट, ठीक है, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल यूनिट्स, इसमें देखो 5 × 660, तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर 5 इकाई 660 की नहीं है, यहाँ पे 2 इकाई है वो 660 की है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिटिकल की बात हो रही है, ठीक है, तो 2 यूनिट थी, 2 इकाई थी, ठीक है,
दो इकाई 660 की थी, ठीक है, तो कितने हो गए, तो 1320 हो गए। यहाँ पे 3300 दे रखे हैं, यहाँ पे 5 इकाई का दे रखा है, लेकिन ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, 2 × 660 बराबर 1320 मेगावाट, तब जाके ये सही होता, लेकिन अपना इसमें ये गलत हो गया। दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, और सही भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असंगत पूछा है, तो दो नंबर का इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है तीसरा, देखो इसमें मोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सॉरी मोटा नहीं, एक कोटा है, टाइप करने वाले टाइप नहीं सही ढंग से कर सकते, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें 7 इकाई है, 1240 मेगावाट इसमें विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो इसमें देखो 4 × 250 यानी कि 1000 मेगावाट का इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें आगे पांच नंबर, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी, तो कोयले की आपूर्ति है वो कहाँ से की जाएगी, तो वो छत्तीसगढ़ से की जाएगी, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कहाँ से की जा रही है कोयले की आपूर्ति, तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका, वो है इसमें छत्तीसगढ़ से आपूर्ति की जा रही है, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, इसमें देखो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, ठीक है, देखो यहां पे बात हो रही है दोस्तों छबड़ा की, ठीक है, ये पिटेंगे मेरे हाथ से आज। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है, तो किस जिले में स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है बारा, ठीक है, बारा जिले में ये स्थापित की गई है, ठीक है। तो तीन नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सात नंबर प्रश्न है, देश में ताप विद्युत परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित की जाती है, देश में ताप विद्युत परियोजनाएं किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो वो की जाती है दोस्तों NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, इनके द्वारा संचालित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें NTPC, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न है, छबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम द्वितीय और तृतीय इकाई का लोकार्पण है वो कब किया गया, छबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना की प्रथम द्वितीय व तृतीय इकाई का लोकार्पण है वो कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 17 सितंबर 2013 को, ठीक है, 17 सितंबर 2013 को इसका लोकार्पण किया गया था। दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाइन नंबर प्रश्न है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की पांचवी इकाई कब कमीशन की गई, छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की पांचवी इकाई कब कमीशन की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 अप्रैल 2017 को, ठीक है, 4 अप्रैल 2017 को ये दोस्तों कमीशन की गई थी। एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम सुपरताप विद्युत ग्रह कौन सा है, राज्य का प्रथम सुपरताप विद्युत ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरतगढ़ सुपरताप विद्युत ग्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये दोस्तों पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह है, तो दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बारह नंबर प्रश्न है, छबड़ा सुपर तापीय विद्युत स्टेशन को पानी किस बांध से प्राप्त होता है, छबड़ा सुपर तापीय विद्युत स्टेशन को पानी किस बांध से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन से बांध से प्राप्त होता है, तो दोस्तों देखो
पार्वती, बेंथली और हिंडलोत, ठीक है। इन तीनों बांधों से दोस्तों जो पानी है वो प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उक्त सभी। चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रहों की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रहों की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध, ठीक है, सूरतगढ़, छबड़ा, काली सिंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन सभी में 660 मेगावाट की इकाइयाँ लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल का आवंटन किस बांध से किया गया है। छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल का आवंटन किस बांध से किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परवन व लियासी बांध से किया गया है, परवन व लियासी बांध से किया गया है। एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 11 जनवरी 2007 को किस तापीय परियोजना के हस्तांतरण हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के मध्य संयंत्र को NTPC को दिए जाने हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों दोबारा देखो, 11 जनवरी 2017 को तापीय परियोजना के हस्तांतरण हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के मध्य संयंत्र को NTPC को दिए जाने हेतु MOU हस्ताक्षर हुए हैं, तो कब हुए हैं ये हस्ताक्षर, किस किस किम किस, तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये इस प्रश्न का सही उत्तर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किस तापीय परियोजना के स्थानांतरण के कारण ये हुआ है, वो तापीय परियोजना का अपने को नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो देखो हुआ तो ये स्थानांतरण है, ये MOU पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 11 जनवरी 2017 को हुए हैं, ठीक है, और वो परियोजना कौन सी है उस परियोजना का अपने को नाम बताना है, तो वो है छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना। चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, काली सिंध सुपर तापीय परियोजना की 600 मेगावाट की दूसरी इकाई कब कमीशन की गई। काली सिंध सुपर तापीय परियोजना की 660 मेगावाट की दूसरी इकाई कब कमीशन की गई, तो ये दूसरी इकाई है ये दोस्तों 6 जून 2015 को कमीशन की गई थी, ठीक है, 6 जून 2015 को कमीशन की गई थी। तीन नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को किस बांध से पानी प्राप्त होता है। काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को किस बांध से पानी प्राप्त होता है, तो वो होता है दोस्तों काली सिंध बांध से पानी प्राप्त होता है। एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है। काली सिंध सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो दोस्तों की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़ में, ठीक है। कहाँ पर, झालावाड़ में। देखो झालावाड़ जिले में यह परियोजना 5 गांवों, एक तो है निमोदा, उंडेल, मोतीपुरा, सिंगारिया और देवरी गांवों के समूह में स्थापित की गई है यह परियोजना। और इस परियोजना का दोस्तों शिलान्यास है वो वसुंधरा राजे द्वारा 3 सितंबर 2008 को ग्राम उंडेल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, बरसिंगसर पावर परियोजना किस पर आधारित है। तो बरसिंगसर पावर परियोजना किस पर आधारित है, तो ये लिग्नाइट पर आधारित है, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों NLC इंडिया के द्वारा दोस्तों ये स्थापित किया गया है। एक नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है,
बीकानेर स्थित किन किन स्थानों पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 250 मेगावाट क्षमता वाले दो नए ताप बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अपने को वो दो स्थानों के नाम बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है पलाना और हाडला और एक है बीठनोक, ठीक है। ये दो स्थान है यहाँ पर दोस्तों, ये दो नए ताप इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि इसमें दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसिंहसर पावर स्टेशन कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो देखो मैंने यहाँ पे आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस गांव के पीछे सर का नाम आ जाए, जैसे लूणकरण सर, ठीक है, बरसिंह सर, ठीक है, और भी काफ़ी सर लगते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो पर्वत सर मत लगा देना, पर्वत सर नागौर में पड़ता है, ठीक है। तो ये अधिकतर जहाँ पे सर लगता है ना तो वो बीकानेर में ही आता है, तो ये बीकानेर में है बरसिंह सर, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है बादेसर बाड़मेर में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र किस द्वारा स्थापित किया गया है? बादेसर बाड़मेर में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राजवेस्ट पावर लिमिटेड यानी कि RWPL द्वारा, ठीक है, स्थापित किया गया है। तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चौथी इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन कब प्रारंभ किया? छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चौथी इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन कब प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 दिसंबर 2014 को ये प्रारंभ उत्पादन करना प्रारंभ किया था। 25 नंबर प्रश्न है राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है बादेसर बाड़मेर में स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है वो, बादेसर बाड़मेर में स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो वो आधारित है दोस्तों इसमें लिग्नाइट कोयला पर आधारित है, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है सिंगरौली परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? सिंगरौली परियोजना की कुल विद्युत क्षमता है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2000 मेगावाट की, ठीक है, 2000 मेगावाट की। तीन नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य सिंगरौली परियोजना से लाभान्वित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों राज्य हैं ये सिंगरौली परियोजना से लाभान्वित हैं, ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है सिंगरौली परियोजना में राजस्थान का कितना अंश है? तो इसमें राजस्थान का कितना अंश है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 15% का अंश है इसमें, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है इसमें देखो ये बता ही देते हैं योजनाओं व उनकी क्षमता के संबंध में निम्न में से विभिन्न परियोजनाओं का कौन सा युग्म असंगत है? तो कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो दोस्तों मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन सा युग्म है वो असंगत है, ठीक है। तो देखो इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन देखो आप धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज दो इकाई 100 मेगावाट की है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा, इसमें इकाई है 3, ठीक है, और मेगावाट की कितनी की है
तो 110 मेगावाट की है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 3 इकाई है 110 मेगावाट की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना को कोयला किन खानों से प्राप्त होता है? रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना को कोयला किन खानों से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमलोरी और दुधीचुआ, अमलोरी व दुधीचुआ, ठीक है। ये इन खानों से प्राप्त होता है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रिहंद परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो रिहंद परियोजना है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य रिहंद सुपर ताप विद्युत परियोजना से लाभान्वित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, सतपुड़ा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सतपुड़ा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, किस विद्युत परियोजना के लिए बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया? तो कौन सी विद्युत परियोजना के लिए बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बादेसर लिग्नाइट आधारित सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 37 नंबर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC की पहली कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है, तो कौन सी है वो कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना? तो वो है सिंगरौली परियोजना। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है। कल इसके आगे और प्रश्न आएंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका ये टॉपिक है ऊर्जा वाला ये ख़त्म कर देंगे, फिर अपना आगे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या आर्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।